हेलो बच्चों, मैं मुकेश, आपकी हिंदी अध्यापिका एमएलपी इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं करा रही थी कक्षा 5वीं का पाठ 3 संज्ञा। इस अभ्यास का प्रश्न नंबर का मैं करा चुकी थी। प्रश्न नंबर का है, नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को संज्ञा के भेदों की सारणी में लिखिए। ये बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, इनको संज्ञा की सारणी में लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में। तो सबसे पहला शब्द है लेखक। लेखक बहुत सारे होते हैं, इसलिए लेखक आएगा जातिवाचक संज्ञा में। लाल किला एक विशेष भवन का नाम है, तो ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। मिट्टी, मिट्टी आएगा जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि मिट्टी कई तरह की होती है। पानी, पानी आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में, इसमें खाने पीने की चीजें और धातु वगैरह द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। नई दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अमेरिका एक विशेष स्थान का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। गुच्छा, जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी रहती है वो समूहवाचक संज्ञा में आती है, तो गुच्छा समूहवाचक संज्ञा में आएगा। पागलपन, इसे हम महसूस करते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा में आएगा। ढेर, ज्यादा चीजों का होता है, तो ये समूहवाचक में आएगा। सेना, सेना में ज्यादा लोग होते हैं, तो ये समूहवाचक में आएगा। पक्षी, पक्षी बहुत सारे होते हैं, तो ये जातिवाचक में आएगा। तारामंडल, ये भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी जो है आकृतियां बनती है आसमान में, जिनको हम तारामंडल कहते हैं, ठीक है। तो ये नहीं, बहुत सारे नहीं रहते, ये एक विशेष समूह का नाम है तारामंडल, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। मातृत्व को हम महसूस करते हैं, तो मातृत्व भाववाचक में आएगा। स्वतंत्रता को हम महसूस करते हैं, तो ये भाववाचक में आएगा। कक्षा, कक्षा में बहुत सारे बच्चे रहते हैं इकट्ठे, तो ये समूहवाचक में आएगा। मोटापा को हम महसूस करते हैं, ये भाववाचक में आएगा। हिमालय एक विशेष नाम है, तो हिमालय व्यक्तिवाचक में आएगा। और नारी, नारियां बहुत सारी होती है, सबके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन ये पूरे जाति का नाम है, तो नारी ये जातिवाचक में आएगा। लोहा एक धातु का नाम है, ये द्रव्यवाचक में आएगा। दूध, दूध भी द्रव्यवाचक में आएगा, क्योंकि खाने पीने की चीजें द्रव्यवाचक में आती है। गंगा एक विशेष नाम है, विशेष नदी का नाम है, तो गंगा व्यक्तिवाचक में आएगा। मनुष्य, मनुष्य बहुत सारे होते हैं, तो ये जातिवाचक में आएगा। और चीनी, ये द्रव्यवाचक में आएगी। प्रश्न नंबर ग, उचित समूहवाचक संख्या चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें दो दो विकल्प दे रखे हैं, उसमें से सही विकल्प आपको रिक्त स्थान में भरना है। पहला वाक्य है, होली खेलने वालों की डैश निकल पड़ी। तो होली खेलने वालों के लिए दे रखा टोली या गड्डी, गड्डी तो पैसों की होती है, यहाँ आएगा टोली। अगला है, किसान के लड़के लकड़ियों का डैश ले आए, इसमें आएगा गट्ठर। अगला है, डैश के सभी कलाकार अच्छे थे, इसमें आएगा नाटक मंडली, तारामंडल में कोई कलाकार नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, मेरे घर की चाबियों का डैश कहाँ है, चाबियों का गुच्छा होता है कक्षा नहीं, तो इसमें गुच्छा आएगा। अगला है, चोर ने सेठ से नोटों की डैश छीन ली, नोटों की भीड़ नहीं होती है, गड्डी होती है, तो इसमें गड्डी फिल करेंगे आप। अगला है, डैश के सभी विद्यार्थी होशियार हैं, तो टोली में विद्यार्थी नहीं होती, विद्यार्थी कक्षा में होते हैं, यहाँ आप कक्षा फिल करेंगे। तो ये मैंने जितने भी प्रश्न आपको कराए, ये सभी आप अपनी फिर नोटबुक में करेंगे और याद करेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।